अमिताभ बच्चन, ऑल्सो नोन एज द शहनशाह ऑफ हिंदी सिनेमा, टर्न्स 82 टुडे. ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ही शेयर्ड एन इमोशनल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम रिमेम्बरिंग हिज फादर द ग्रेट पोएट हरिवंश राय बच्चन. इन दिस पोस्ट अमिताभ एक्सप्रेस्ड हिज डीप रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिज फादर हु हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन इन हिज लाइफ एंड करियर. As every year, this year too, thousands of people gathered outside Amitabh Bachchan's house just to catch glimpses of him and to wish him on his birthday. Now let's listen to the fans who talked to media about Amitabh Bachchan's birthday. भगवान हमारे गुरुदेव हमारे सर जी श्री अमिताभ बच्चन जी का 82 बर्थडे. और वैसे तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे भगवान सालों साल जिंदा रहे. और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरी जिन में जान है तब तक मैं अमिताभ बच्चन सर को अदाकारी करके वो देखना चाहता हूँ. और मैं रोज सुबह एक ही प्रार्थना करता हूँ, ओम ओम अमिताभ भाई नमो नमः, श्री बच्चन परिवाराय नमो नमः, जलसा द्वारे कष्ट निवारण नमो नमः, श्री अमिताभ बच्चन सर की जय हो. और आज मेरे प्रभु श्री अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं. और यहाँ बहुत लोग आए हैं और यहाँ आप देख सकते हो हमने जो लुक बनाया है पूरा कलकी का, तो यहाँ लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं, केक काटते हैं. आज अमिताभ बच्चन जी का 82वां जन्म दिवस है. मैं एसपी कामत, विनोद बड़गैया, नीलेश बोड़ावाला, जफर भाई सब यहाँ दूर दूर से इकट्ठा हुए हैं. हम लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ रहे और लोगों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं वो लोगों को दिशा निर्देश करते हैं. वो हमारे आइडियल हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं. आज उनके जन्मदिन पर मैं उनके लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा. इच्छाओं का योग फल है बच्चन की आप, इच्छाओं का योग फल है बच्चन की आप, कई जन्मों के सुकर्मों से बनता है अमिताभ. आने आगे 40-50 साल तक हमको ऐसे एंटरटेन करते रहे, ऐसे हंसाते रहते, ऐसे मनोरंजन करते रहे. तो मैं हिम्मत बिनानी इनका फ़ैन हूँ 1993-94 से, SSC और 9th स्टैंडर्ड से फ़ैन हुआ था. हम पद्म विभूषण महानायक डॉक्टर अमिताभ बच्चन सेवाभावी संस्था सोलापुर में चलाते हैं. और इस साल आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का 82वें जन्मदिन पर हम शहर सोलापुर में बालाजी मतिमंद मूक बधिर शालों में अन्नदान का कार्यक्रम किया है. वो आज का दिन हमारे लिए बहुत अत्यंत और आनंद देने वाले दिन है. इसीलिए हम शहर सोलापुर के तरफ से आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ. उनके आर्य आरोग्य अच्छे रहे, माँ श्री तुलजाभवानी चरणी प्रार्थना करता हूँ. और हमारे संस्था के ओर से और शहर सोलापुर के ओर से और तमाम चाहने वाले के ओर से. अमिताभ बच्चन जर्नी वॉज नॉट ईजी. When he entered the film industry in the 1960s, he faced many rejections. His deep voice even led to him being rejected by All India Radio. But through his hard work and determination, he made his mark in 1973 with the film Zanjeer. And from there, he never looked back, delivering one hit after another. In 1973, he married actress Jaya Bhaduri and they have two children, Abhishek and Shweta. Today, Amitabh Bachchan's success and contributions are extraordinary. Even at 82, his energy and passion for work continue to inspire many young artists.